हाय गाइस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं और यह अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यू पी पी में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम दिए थे तो उनके रिजल्ट के बाद फाइनल सिलेक्शन जो लिस्ट होती है डिस्कॉम अलॉटमेंट लिस्ट होती है वो इससे पहले तीन लिस्ट आ चुकी थी और ये चौथी लिस्ट भी आ गई है और यहाँ किस किस का सलेक्शन हुआ है तो पूरी जानकारी देंगे आपको और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी वो भी जानकारी देंगे और साथ ही साथ वे अभ्यर्थी जो कमेंट कर रहे थे कि ये आमिलन क्या होता है जो यू पी पी सी में ये ट्रांसफर जो होता है वो आमिलन का क्या महत्व तो है उसमें तो वो पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो सबसे पहले आपको जानकारी देंगे कि आपका जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का रिजल्ट आया था तो पहली लिस्ट आई थी आपकी पंद्रह नौ दो हजार तेईस में जिसमें टोटल जो अभ्यर्थी थे जिनका डिस्कॉम अलॉटमेंट हुआ था वो हुआ था ग्यारह सौ पचहत्तर कैंडिडेट का हुआ था और ग्यारह के बाद तो आप एक बार यहाँ देख सकते हैं जो आपकी लिस्ट है जो फर्स्ट लिस्ट आई थी वो आपकी इस तरह से थी और यहाँ पर आपके टोटल जो कैंडिडेट इसमें हुए थे वो ग्यारह हुए थे उसके बाद जो दूसरी लिस्ट जो आउट हुई थी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 31 दस 2023 में हुई थी जिसमें टोटल छियासठ अभ्यर्थियों को डिस्काउ अलॉटमेंट किया गया था तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ टोटल छियासठ लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट अलॉटमेंट किया गया था अब इसके बाद तीसरी जो लिस्ट आई थी छब्बीस बारह दो हजार तेईस में आई थी यहाँ पर आपके टोटल चौबीस अभ्यर्थियों को डिस्काउंट अलॉटमेंट किया गया था और उसके बाद कल दिनांक पंद्रह मार्च दो हज़ार चौबीस को आपकी ये तीन चौथी लिस्ट आई जिसमें केवल तीन अभ्यर्थियों को डिस्कॉम आवंटित किया गया है तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका नोटिफिकेशन था वो बारह सौ तिहत्तर सीटों पर आया था जिसमें आपकी एक लिस्ट में ग्यारह सौ दूसरी लिस्ट में छियासठ तीसरी लिस्ट में चौबीस और चौथी लिस्ट में तीन और टोटल मिला के ये आपके बारह सौ अड़सठ कैंडिडेट हो जाते हैं बारह सौ अड़सठ लोगों को यानी कि अभ्यर्थियों को यहाँ पे ये डिस्कॉम अलॉटमेंट हो गया अब केवल पांच अभ्यर्थी रह गए हैं यानी पांच कैंडिडेट रह गए हैं तो ये वे अभ्यर्थी हैं पांच जिन्होंने या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट आता है उसके बाद अपना कोई स्टार या हेज लगा आया होगा उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं कराया होगा ऐसे अभ्यर्थी हैं वो जिन्होंने अपना स्टार या हेज नहीं हटवाया है जिस वजह से उनका डिस्कॉम अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आई है यदि ये पांच अभ्यर्थी वहाँ समय से पहुँच जाते या हो सकता अभी और मौका हो तो जिनका डी रिजल्ट में रोल नंबर आया हो और वो वहाँ पर अपना जा करके जो डॉक्यूमेंट में कमी रही हो पूरी करा दें तो हो सकता है उनका भी अभी मौका मिल सकता है अब इनको जॉइनिंग के लिए सीधा अपने डिस्कॉम ऑफिस जाना पड़ेगा जैसे ये हैं शिवानी द्विवेदी इनको पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मिलाए उनको अपने वहाँ जा कर के मिलना है और एक है हिमांशु गुप्ता इनको ट्रांसको डिस्कॉम मिलाए ट्रांसको की ऑफिस लखनऊ शक्ति भवन में है तो उनको वहाँ जाना पड़ेगा और एक है पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम उनको भी जो जितेंद्र वाजपेयी हैं इनको भी वहीं जाना पड़ेगा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की डिस्कम ऑफिस में तो इनको वहाँ जा कर के अपनी फाइल देखनी पड़ेगी और पैरवी करनी पड़ेगी जिससे कि इनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल पाए अब आचार संहिता लगने के बाद क्या आपकी ये ज्वाइनिंग हो पाएंगी तो आपको वहाँ जा संपर्क करना पड़ेगा हो सकता है वो आपको ज्वाइनिंग बैक डेट में या चुनाव आयोग से परमिशन लेके आपकी ज्वाइनिंग करा सकें और यदि आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो इन सबका पी इकट्ठा मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा आप टेलीग्राम से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं अब चलते हैं जो टी जी टू हैं जिनको डिस्काउंट अलॉटमेंट कर दिया गया है लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको ऐसा डिस्काउंट मिला है जो कि अपने ग्रह डिस्काउंट में आ नहीं सकते क्योंकि टी जी टू का डिस्काउंट से डिस्काउंट ट्रांसफ़र नहीं होता है लेकिन काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि जो अपना जो सेप आईडिया ईआरपी से जो होता है ट्रांसफर रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ डिस्कॉम से डिस्कॉम ट्रांसफर के लिए ऑप्शन आता है तो क्या संभव है तो ये एक लेटर है छः मार्च दो हज़ार चौबीस का यहाँ आप देख पाते हैं कि कारपोरेशन के संज्ञान में आया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के, के, के अंतर्गत डिस्कॉमों के कुछ कार्यालयों द्वारा परिचालकीय संवर्ग लिपिकी और संवर्ग कला संवर्ग जिसको हमें आमेलित पदों के कार्मिकों को निर्गत किए गए नियुक्ति पत्र में निम्न बिंदु अंकित पाया गया है तो क्या पाया गया नियुक्ति पत्र में नियुक्ति के पश्चात कर्मचारी का उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है ऐसा उनके नियुक्ति पत्र में दिया गया है तो इस चीज को देख कर करके जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि हमारा कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है डिस्कॉम भी चेंज हो सकता है लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये आमेलन जो है ग्यारह बारह दो हज़ार आठ में अंतिम रूप से किया जा चुका था यानी कि उसके बाद ये आमेलन बंद हो गया था उसके पहले ये ओपन था उसके बाद ये बंद कर दिया गया है तो यहाँ आप देख पाएंगे समस्त डिस्कॉमों द्वारा अपने अधीनस्थ संबंधित मुख्य अभियंताओं अधीक्षण अभियंताओं अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया है कि यदि उनके द्वारा नवचयनित परिचालिकी संवर्ग लिपिकी संवर्ग कला संवर्ग के कार्मिकों को जारी नियुक्ति पत्र में यदि उपयुक्त बिंदु अंकित किया गया हो तो इस आशय का शुद्धि पत्र है कि नियुक्ति के, के पश्चात कार्मिक का स्थानांतरण उनके आवंटित डिस्कॉम के अंतर्गत ही किसी भी कार्यालय में किया जा सकता है यानी कि जो आपको डिस्कॉम आवंटित किया गया है उस डिस्कॉम में ही आप रह सकते हैं उससे बाहर नहीं जा सकते यदि आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमसे संपर्क जो ट्रांसमिशन में हैं तो ट्रांसमिशन तो पूरा यूपी में डिस्कॉम अकेला है तो ट्रांसमिशन में आप कहीं भी पूरी यूपी में ट्रांसफ़र करा सकते हैं इसके अलावा जो आपके पूर्वांचल में अगर कोई कैंडिडेट है तो वो कहे कि मैं दक्षिणांचल में आ जाऊँ या दक्षिणांचल से पूर्वांचल चला जाऊँ या पश्चिमांश चला जाऊं या कैश को या अन्य तो इस तरह से आपका डिस्कॉम चेंज नहीं होगा ना ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन जा सकते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन से ट्रांसमिशन में जा सकते हैं ये आपके छह डिस्कॉम होते हैं छह डिस्कॉम में आप अगर किसी एक डिस्कॉम में आप हैं तो उस डिस्कॉम से आप बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि आप जेई न बन जाए जब जेई बन जाएंगे तो आपके फिर कॉमन कैडर में आते हैं फिर आपका जो है ये ट्रांसफर एक दूसरे डिस्कॉम में हो जाता है तो आमेलन अगर ओपन हो जाता है तो आमेलन में होता क्या है कि आप एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में जा सकते हैं लेकिन आमेलन 2008 में देखिए मैंने आपको बताया 2008 में आपका आमेलन बंद कर दिया गया उसके बाद फिर कोई भी डिस्कॉम परिवर्तन नहीं हुआ है जो पोस्ट आती है इसके अंतर्गत तो ये नोट कर लीजिए वे अभ्यर्थी जो घर से ज़्यादा दूर हैं तो वो अब बिना जेई बने वो घर के पास नहीं आ पाएंगे तो उनके लिए एक यहाँ राय रहेगी कि वो द्वारा से अपना जब रिक्वायरमेंट आती है कभी भविष्य में तो वो अपना द्वारा से फॉर्म डाल के द्वारा से ट्राई कर सकते हैं कि उनको शायद अगली नियुक्ति में उनको अगर घर के पास मिल जाए क्योंकि तो पिछले हमारे बैच में भी काफ़ी ऐसे कैंडिडेट थे जिनको घर से दूर ज्वाइनिंग मिली थी और डिस्काउंट चेंज हो नहीं सकता था उस परिस्थिति में उन्होंने दोबारा से फॉर्म अप्लाई करके और द्वारा से जो नियुक्ति मिली उनको तो घर के पास मिल गई उनको तो इस तरह से भी पॉसिबलिटी मिल सकती है आपको तो ये थी आज की अपडेट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें यदि आपकी और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए जिससे कि मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दबा सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो